नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राजस्थान में प्रत्याशियों के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन, तो वहीं कल होने वाले छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 और मिजोरम की सभी 40 सीटों पर मतदान के लिए रवाना होंगी पोलिंग पार्टी। आज छत्तीसगढ़ के जशपुर और रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली करेंगे जेपी नड्डा, तो वहीं मुंगावली से मध्य प्रदेश में जनसभा करेंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। प्रियंका गांधी भी धार और इंदौर में संभालेंगी कांग्रेस की कमान। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की हालत लगातार खराब। दिल्ली में ग्रैब टू लागू, ट्रकों का प्रवेश बंद, स्कूलों में भी ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन आज तुर्की में गजा संघर्ष पर अपने समकक्ष से करेंगे बातचीत। इससे पहले इराक में भी ब्लिंकन ने इसराइल हमास संघर्ष रोकने पर की चर्चा। महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने रचा इतिहास। रांची में खेले गए मैच में जापान को 4-0 से हराकर अपने नाम किया खिताब। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज दिल्ली में होगा भारत श्रीलंका बांग्लादेश के बीच मुकाबला। कल कोहली के रिकॉर्ड शतक और जडेजा की गेंदबाजी ने भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दिलाई विराट जीत। और अब खबरें विस्तार से, और सबसे पहले बात जनादेश की, जहां बात कर रहे हैं हम विधानसभा चुनावों की। सबसे पहले बात राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामांकन भरने का आखिरी दिन आज है। राज्य में 200 विधानसभा सीट है। चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन में जुटी रहीं और पूरी तरह देखभाल कर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। आप प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में निर्वाचन आयोग के कार्यालय में नामांकन दाखिल कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि आज जोधपुर की सरदारपुरा विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी सीएम अशोक गहलोत अपना नामांकन भरेंगे। उनके समर्थन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उम्मेद स्टेडियम में एक सभा को संबोधित करेंगे। नामांकन भरने के बाद 7 नवम्बर को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की जाएगी और फिर 9 तारीख को नाम वापस लिए जा सकेंगे। राजस्थान में अशोक गहलोत एक तरफ जहां लोगों को गारंटियां दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी गहलोत सरकार के 5 साल के कामकाज पर सवाल उठा रही है। छत्तीसगढ़ में कल 7 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी। इस दिन 20 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होंगे। पंडरिया, कवर्धा, खेरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोमरगांव, खुज्जी, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। वहीं मोहल्ला मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोटा विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। बात करें मिजोरम विधानसभा चुनाव की, तो यहां प्रचार शाम थम गया है। सभी राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का भरसक प्रयास किया। राष्ट्रीय दलों के नेता अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार अभियान में शामिल हुए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज छत्तीसगढ़ के जशपुर में होंगे। यहां 12:15 बजे उनकी रैली है, फिर 1:30 बजे के बाद रायगढ़ का रुख करेंगे, जहां लैलूंगा में उनकी रथ यात्रा होगी। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे
धर्म जयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उनकी रैली होगी। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए होने वाले मतदान से पहले अब राजनीतिक दल वहां फोकस कर रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को 70 सीट पर होगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगी और वहां चुनावी रैली करने जा रही हैं। मुंगावली में उनकी रैली शुरू होगी। 8 दिन में 9 रैली का प्रोग्राम है। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट को बदलने के लिए लाए गए तीनों नए विधेयकों को संसद के आगामी शीत सत्र में लाए जाने के आसार बढ़ गए हैं। आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संसदीय समिति की बैठक आज दोपहर 12 बजे होने वाली है। इस बैठक में समिति विधेयकों से संबंधित मसौदा रिपोर्ट को स्वीकार कर सकती है। इसके बाद विधेयकों को संसद के शीतकालीन सत्र में पारित किया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने मॉनसून सत्र में लोकसभा में 11 अगस्त को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाने से संबंधित विधेयक पेश करते हुए कहा था कि अंग्रेजों के जमाने के कानूनों का मूल उद्देश्य दंड देना था, जबकि प्रस्तावित कानूनों का उद्देश्य न्याय देना है। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण से हालात खराब हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। आरकेपुरम में AQI 466, ITO में 402, पड़पड़गंज में 471 और न्यू मोतीबाग में 488 दर्ज किया गया। हालात को ध्यान में रखते हुए राजधानी में GRAP 4 लागू किया गया है। ग्रैप 4 लागू होते ही आवश्यक सामान ले जाने वाले, आवश्यक सर्विसेज वाले और सभी CNG इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर बाकी ट्रकों की दिल्ली में एंट्री पर रोक लग गई है। इसके अलावा प्राइमरी स्कूल को 10 नवंबर तक बंद रहेंगे। साथ ही स्कूलों को ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प भी दिया गया है। इस खास बुलेटिन में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अंकारा पहुंचे, जहां वे तुर्की के अपने समकक्ष हकन फिदान के साथ गजा संघर्ष पर बातचीत करेंगे। ब्लिंकन के आने से कुछ घंटों पहले ही फिलिस्तीन समर्थक रैली में शामिल सैकड़ों लोगों ने अमेरिकी सैनिकों के आवासीय परिसर वाले हवाई अड्डे पर हमला करने की कोशिश की, जहां पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछार कर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बिना किसी पूर्व योजना के इराक का भी दौरा किया। उन्होंने इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी के साथ चर्चा की। इस दौरान दोनों के बीच इसराइल हमास संघर्ष को रोकने की आवश्यकता के बारे में चर्चा हुई। खबरों के मुताबिक बगदाद में अल सुदानी के साथ ब्लिंकन की मुलाकात 1 घंटे से ज्यादा समय तक चली। और अब खेल की खबरें। भारत ने महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। भारत ने मौजूदा चैंपियन जापान को 4-0 से हराया है।
भारतीय महिला टीम ने जापान को हराकर दूसरी बार जीता खिताब। भारत की तरफ से संगीता कुमारी, नेहा लाल रेमिया सामी और वंदना कटारिया ने गोल किया है। भारतीय हॉकी टीम ने महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के फाइनल में जापान को 4-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। आईसीसी विश्व कप में भारत की जीत का सिलसिला जारी है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका पर 243 रन की शानदार जीत के साथ प्रतियोगिता में लगातार 8वीं जीत हासिल की है। इस जीत के साथ ही भारत ने अंक तालिका में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। भारत से जीत के लिए मिले 327 रन के जवाब में अफ्रीकी टीम 83 रन पर ढेर हो गई। बल्लेबाजी में कोहली ने जहां भारतीय शतकीय पारी खेली, वहीं गेंदबाजी में जडेजा ने 5 विकेट लिए। कोहली ने अपने वनडे करियर का 49वां शतक लगाया। कोहली 101 रन पर नाबाद रहे और उनकी इस बेहतरीन पारी के बल पर भारतीय टीम 5 विकेट पर 326 रन उन्होंने बनाए। और इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।